जी हाँ, सरकारी टेस्ट में फेल हो गए हैं बाबा रामदेव के 6 प्रोडक्ट्स। रामदेव के पतंजलि योगपीठ का ये बेसन जो आप देख रहे हैं, ये बेसन भी फेल हो गया है। इतना ही नहीं, बेसन की हम बात नहीं कर रहे हैं, और भी जो उत्पाद वो बनाते हैं, जैसे कि कच्ची घानी सरसों के इस तेल पर भी रिपोर्ट पे सवाल उठाए गए हैं। ये है कच्ची घानी का सरसों का तेल और इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। और कमोबेश यही हाल है इस पाइनएप्पल जैम का भी। ये पाइनएप्पल का जैम जो कि फेल हो गया है, वो टेस्ट जो उत्तराखंड खाद्य विभाग ने किया है। इतना ही नहीं, नमक, काली मिर्च, लीची का शहद, ये तमाम वो उत्पाद हैं जिनके सैंपल्स फेल हो गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। योग से आयुर्वेद और आयुर्वेद से किराना तक बेचने लगे हैं बाबा रामदेव, लेकिन खाद्य विभाग की रिपोर्ट ने बाबा रामदेव के इस कारोबार के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। हरिद्वार के डीएम सचिन कुर्वे के मुताबिक 16 अगस्त को सैंपल लिए गए थे और रुद्रपुर लैब में टेस्ट के बाद 6 चीजें नेगेटिव पाई गयी। जो चीजें खाद्य विभाग के पैमानों पर खरी नहीं उतरी वो है नमक, काली मिर्च और बेसन। सैंपल की जांच के बाद पाइनएप्पल के जैम को भी फेल करार दिया गया। बाबा रामदेव के ये प्रोडक्ट्स काफी मात्रा में बिकते हैं, हमारा देखते ही देखते काफी तादाद में लोग आए और उन्होंने ये प्रोडक्ट्स खरीदे। इनमें से जो सबसे ज्यादा बिकने वाला कड़वा तेल है, उसके साथ साथ ये बेसन है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में आधा किलो का बेसन है, 45 रुपए इसका दाम है। इसी तरीके से ये पाइनएप्पल जैम है जिसको कि हरिद्वार प्रशासन ने नेगेटिव पाया है, 70 रुपए इसका दाम है, आधा किलो का है। इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो खूब लोकप्रिय भी हैं और काफी तादाद में बिक भी रहे हैं। इसके अलावा सैंपल पर सरसों का तेल और लीची का शहद भी खराब नहीं उतरा।